हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं विजय सिंह एक बार आपके सामने फिर से जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए। और आज की क्लास बहुत धमाकेदार और जो पहले क्लास होती थी उससे अलग है, डिफरेंट है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। क्यों? क्योंकि जो मैंने सोचा है, अगर ये आपको अच्छा लगा या आपकी तैयारी को और बूस्ट करता है तो मैं और भी ज़्यादा मतलब उस पर काम करूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, 12th पॉलिटिकल साइंस। तो उनमें सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी रियासतों का एकीकरण। तो हमने हैदराबाद का पढ़ लिया था, अब हम मणिपुर का देखेंगे। सिर्फ छोटा सा है और दो हैं, दो बच गए, वो अगले चैप्टरों में आएंगे। तो मणिपुर का एकीकरण ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे महाराजा भूपचंद्र सिंह, और उन्होंने क्या चाल चली ये भी देखो, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से चाले चल रहे थे। उन्होंने आज़ादी से पहले ही भारत संघ में रियासत का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन मांगा गवर्नमेंट से कि मणिपुर के में आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। यानी कि हस्ताक्षर तो कर दिए इन्होंने, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी, यानी कि मणिपुर के मणिपुर रियासत के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजा का ही शासन होगा। इसका असर हुआ कि जनता के दबाव, यानी कि जब पूरी इंडिया के अंदर देखा तो जनता ने फिर दबाव बनाया। तो 1948 में चुनाव कराए गए, यानी कि संवैधानिक चुनाव। अब उन चुनावों से क्या हुआ? चुनावों से लोकतंत्र की स्थापना होती है, यह आप अच्छी तरह जान। लेकिन यहाँ लोकतंत्र की स्थापना न होकर यहाँ पर हुई संवैधानिक राजतंत्र, ये ध्यान रखना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और दूसरा, मणिपुर भारत का पहला ऐसे राज्य था जो 1948 में ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग हुआ था। जो चुनाव हुए थे उनमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग पहली बार भारत में कहा, मणिपुर में हुआ था, जो पहला राज्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो हम 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही। अब देखो, विलय, भारत में विलय को लेकर वहाँ मणिपुर में गहरे मतभेद थे, मणिपुर रियासत में। कैसे? मणिपुर कांग्रेस विलय चाहती थी, यानी कि जो मणिपुर कांग्रेस थी वो विलय चाहती थी, जबकि अन्य पार्टियां विलय नहीं चाहती थी, वो जैसा है वैसा ही रखना चाहती थी। लेकिन सरदार पटेल जी या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने राजा पे प्रेशर बनाया कि आप सहमति विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। तो देखो, निर्वाचित विधानसभा, यानी कि जो जनता ने निर्वाचित या जनता ने चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में थे, उनके बिना परामर्श के भारत सरकार के दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि आप देख रहे हो कि अभी भी वर्तमान में ताज़ा कुछ दिन पहले मणिपुर में हिंसा हुई थी जिसमें कई लोग हताहत हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इस कदम से लोगों में क्रोध और नाराजगी की भावना पैदा होगी, पर जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा उनकी बिना सहमति के ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए दबाव बना के गवर्नमेंट ने, तो इसका असर आज तक देखा जा सकता है। क्योंकि अभी जो करंट में जो घटनाएं मणिपुर में हुई उनका कहीं ना कहीं लिंक इससे है। तो ये छोटा सा इनका एकीकरण था, और इसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का, यानी कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको तैयार करना, ये दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये, और ये ऑब्जेक्टिव में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मणिपुर का विलय हो गया। अब जो मैं आप
आपको करवाने जा रहा हूं वो देखो, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ लेके चलेंगे ताकि आपको भी पता चले यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप देखो तो आपका रिवीजन भी हो जाए। मैं छोटे छोटे चीजों को बाहर निकालूंगा, उन्हें निबंधात्मक क्वेश्चन करने में जोड़ नहीं आता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूरे राइट हो गए तो आपके, मैं दावा कर सकता हूँ कि निबंधात्मक क्वेश्चन भी 100% राइट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप ये फैक्ट डालोगे और वो क्वेश्चन अपने आप ही सबसे अलग हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, किस रियासत ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, यानी कि उस समय जब विभाजन हुआ उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो रियासतें भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिले, जो रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान में जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रहे। तो जब ये घोषणा की तो उसके तुरंत बाद में एक रियासत थी, यानी कि त्रवणाकोर, ये वर्तमान में जो केरल वाला हिस्सा है वहां थी। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया रियासत। इसके एक दिन बाद में ये भी ध्यान रखना, हैदराबाद ने, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको भी ध्यान में रखना कि दूसरी रियासत थी वो थी हैदराबाद। तो जो सर्वप्रथम जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित की वो थी त्रावणकोर। अब है, वो कौन सा नवाब था जो संविधान सभा में भाग नहीं लेना चाहता था, यानी कि जो संविधान सभा में नहीं जाना चाहता था वो कौन सा नवाब, कहाँ का नवाब था? तो मैंने आपको चित्र डिटेल में बताया था उसके बारे में। और देखो, ये था भोपाल का नवाब, भोपाल का नवाब। अब कुल रियासतें कितनी थी? क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा होगा कि आसरणी ऐसे क्या क्वेश्चन बनाए, लेकिन यही क्वेश्चन पसीना छुड़वा देते हैं, वहां जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना उल्टी सीधे करके देता है एग्जामिनर। तब 562 कुल रियासतें कितनी थी? 562। ये है अंदर का क्वेश्चन, 1951 के वक्त भारत की आबादी कुल कितने प्रतिशत थी, यानी कि जब भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान चली गई, तो उसके बाद में सोचा कि अब ज्यादा नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी भारत में, फिर भी आश्चर्यजनक करने वाले आंकड़े आए और कुल आबादी का 12% मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में थी, जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है। यानी कि 12% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया में रहना चाहते थे। गर्म हवा कब और निर्देशक कौन थे? अब आप देख रहे हो सर, फिल्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, दे रखा है गर्म हवा, टाइम मिले तो देख लेना, मेरी भी नहीं देखी हुई है। इसका जो कब आई थी, ये 1973 में, 1973 में ये आई थी, और इसके निर्देशक थे A.S. A.S. सत्यु। ध्यान रखना इसकी स्टोरी भी, क्योंकि ये स्टोरी उस टाइम में जो भारत विभाजन हुआ था तो उस दर्दनाक कहानी को बयां करती है, तो इसका ध्यान रखना। विभाजन के बाद कौन सी जगह सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गई? तो मैंने बताया था तीन जगह थी जो वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। तो पहली थी पंजाब, जो मतलब उस टाइम में एकीकृत पंजाब था, तो वहां पर अमृतसर। दूसरा था, और कहां पे भड़की थी? बंगाल में, तो बंगाल में कलकत्ता। और तीसरा लाहौर में, ये तीनों जगह सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। विभाजन
विभाजन के समय गांधी जी कहाँ थे, यानी कि जो जब विभाजन हो रहा था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो वो थे नू आंखली, यानी कि नू आंखली जो उस समय बंगाल में था और वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। क्योंकि जब बंगाल में हिंसा फैली तो गांधी जी वहां जाके बैठ गए हिंसा को शांत करने के लिए, तो ये उस समय बंगाल में था और अब बांग्लादेश में। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। तो ये कोई खाने की चीज नहीं थी, ये ये था जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण, जो कब दिया था, 14-15, यानी कि दोनों डेटों को मिला देते हैं तो मिडनाइट, मिडनाइट को कहाँ किसके सामने दिया था, संविधान सभा के सामने। सभा के समक्ष, यानी कि संविधान सभा में इन्होंने दिया था। और ये अंतिम संविधान सभा की जो बैठक थी वो अंतिम बैठक थी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, अब देखो इस क्वेश्चन में दो आंसर निकलते हैं, इस क्वेश्चन को समझो तभी तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी किसने दी। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम पूछे तो क्या आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, और डायरेक्टली वैसे पूछे तो मुस्लिम लीग। तो मैं आप डाउट क्लियर कर देता हूं, अगर पर्टिकुलर आदमी यानी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना, और वैसे पूछे तो मुस्लिम लीग। लीग इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, और व्यक्ति विशेष के बारे में पूछे विशेष तो जिन्ना। दोनों मैंने कंफ्यूज दूर हो गए कि मुस्लिम लीग और व्यक्ति विशेष जिन्ना। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, या फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, लाल पूर्ति दल किसका था, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। पश्चिमोत्तर भारत का सबसे फेमस या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, तो वो सीमांत गांधी, और जिन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं सीमांत गांधी कौन है, अब्दुल गफार खान, ये पश्चिमोत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध नेता थे। और ये गांधी जी के मतलब परम भक्त थे, इसलिए इसने इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी को फॉलो करते थे। और इनका एक दल था जो गठित किया था, उसको लाल कुर्ती दल कहा जाता है। तो इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, या फिर रिक्त स्थान पूर्ति में भी पूछ सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो ये था सहमति पत्र। पत्र जब विलय हुआ, यानी कि अधिकांश रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए हाँ कर दी, तो पंडित वो सॉरी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा
ये हम कैसे मान लें? तो सहमति पत्र पर साइन करवाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको नाम दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। यानी कि जो हैदराबाद के शासक थे उनको किस नाम से जाना जाता है? निजाम। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रज्जाकार क्या है? खाने की चीज, खेती, क्या है? चलो, रजाकार है निजाम की अर्ध सैन्य बल, जिसको यानी कि निजाम की अर्ध सैन्य सैन्य बल, यानी कि ये रजाकार क्या है? निजाम की अर्ध सैन्य बल टुकड़ी थी, यानी कि उनके सैनिक थे, बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूर थे। सहमति पत्र पर, अब यह क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सहमति पत्र पर 15 अगस्त से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले किन रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर एक तो हैदराबाद, दूसरी थी मणिपुर जिनको हम पढ़ रहे हैं, तीसरी थी जूनागढ़, और चौथी थी, शॉर्ट में लिख देता हूं, जे जे एंड के, जे एंड के, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो 4 रियासतें थी जिनने 15 अगस्त 1947 से पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब है लास्ट क्वेश्चन, जिसको बहुत गौर से समझना। क्वेश्चन क्या है? विभाजन के बाद भारत के सामने तात्कालिक चुनौती क्या थी? हमने पढ़ी 3 चुनौतियां, लेकिन ये पूछ रहा है तात्कालिक, जो सबसे पहले फेस करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना कि चुनौतियां पूछे तो 3 आएंगी, और अगर ये इसमें डाल दिया तात्कालिक, यानी कि उस टाइम की सबसे पहले जो पूरी करने वाली चुनौती थी वो कौन सी थी? तो वो थी एकता के सूत्र में बांधना। यह तात्कालिक और पहली चुनौती थी, क्योंकि हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, इतनी रियासतों को एक साथ जोड़ना और एकता के सूत्र में बांधना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो ये था आज का क्वेश्चन और चैप्टर, दोनों चल रहे हैं साथ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, ताकि मैं भी समझूं कि जो मैंने किया है वो अच्छा है, और मैं और भी डबल एनर्जी के साथ काम कर सकूं। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता देना, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, अपने घर की बात है, दोबारा उसका रिवीजन कर लेंगे, और मैं तो एग्जाम तक आपका रिवीजन ही करवाता रहूंगा। एक तरफ चैप्टर चलेगा, दूसरी तरफ रिवीजन में क्वेश्चन चलेंगे। आज ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर निबंधात्मक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें सबल प्रदान करते हैं कि और अच्छा करें। थैंक यू, जय हिंद।